हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अरुण, बी फार्मेसिस्ट, फिर से आ चुका हूँ एक और नई मेडिसिन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ओजा कंपनी के स्केजा क्रीम से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में इसी क्रीम की मैं जानकारी दूँगा, इसी क्रीम का रिव्यू करूँगा और इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप सभी के सामने करूँगा। और इस क्रीम को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, कितने टाइम इस क्रीम को यूज़ आप कर सकते हैं, इसको यूज़ करने से पहले आपको क्या इसमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, और इस क्रीम की क्या एमआरपी है, किस एमआरपी में आपको अवेलेबल मिलेगी ये क्रीम, और ये क्रीम आपको कितने महीने के अंदर रिजल्ट देगी, और कितने महीने तक आपको क्रीम यूज़ करनी है, और इस क्रीम के अंदर दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, क्या इसके अंदर साल्ट डाले गए हैं। अगर आप इस क्रीम का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसको अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, तो इसके क्या आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज आप सभी को दूंगा, डिटेलिंग आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो वीडियो आप सभी के लिए एक यूजफुल वीडियो, क्रिटिकल क्रीम है, और दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी की क्रीम है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये क्रीम देती है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो कंप्लीट जरूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर जरूर कर दें, इस वीडियो अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर करें, थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो दोस्तों, जो ओजा कंपनी की स्केजा जो क्रीम है, किस लिए बनाई गई है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसका यूज़ है, और क्या इसके उपयोग है, क्या इसके फ़ायदे हैं, और किस डिजीज़ में इस क्रीम का यूज़ आप कर सकते हैं, किस बीमारी में सबसे ज़्यादा काम आती है, तो ये मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, जो ओजा कंपनी की स्केजा जो क्रीम है, ये क्रीम स्पेशली बनाई गई है दोस्तों मेलास्मा डिजीज़ के लिए। अगर आपको दोस्तों मेलास्मा डिजीज़ अगर देखी जा रही है, या दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पिगमेंट स्पॉट जैसे देखे जा रहे हैं, डार्क स्पॉट जैसे देखे जा रहे हैं, डार्क पैचेस जैसे देखे जा रहे हैं, डिस्कलर स्किन जैसे देखे जा रही है, फ्रिंकल्स अगर देखे जा रहे हैं, या दोस्तों आपके फेस पर जैसे एक्नेस अगर देखे जा रहे हैं, जैसे कि मुहासे निकल रहे हैं, लाइट एब्सेंस जैसे देखे जा रहे हैं, और जैसे बात करो आपके फेस पर दोस्तों जैसे कि रेडनेस जैसे देखी जा रही है, जैसे कि झाइयाँ निकल रही हैं, दाग धब्बे जैसे हो रहे हैं, और इन सब काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और इनके लिए दोस्तों अपने काफ़ी क्रीम यूज़ आपने किए हैं, बहुत से अपने दोस्तों जो है क्रीम अप्लाई किए, मगर उससे कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों झाइयों की समस्या हो रही है, जैसे कि मुहासे निकल रहे हैं, दाग धब्बे जैसे आपके फेस पर देखे जा रहे हैं, या फ्रिंकल्स अगर देखे जा रहे हैं, जैसे कि वाइट स्पॉट जैसे हो जाते हैं, तो उसमें भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। फ्रिंकल डिजीज़ के लिए भी आप इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रीम को आप क्लोजमा डिजीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पर क्लोजमा डिजीज़ अगर देखी जा रही है, और इससे आप काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब रहते हैं, और इसके लिए अपने काफ़ी क्रीम्स यूज़ किए, बहुत से अपने क्रीम अपने फेस पर अप्लाई की हैं, मगर उनसे कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों क्लोजमा डिजीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी क्रीम है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रीम देती है। और अगर आपकी स्किन डार्क है, तो डार्क स्किन के लिए भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस पर दोस्तों एक अच्छा निखार नहीं है, एक अच्छी फेयरनेस नहीं है, एक अच्छी सुंदरता नहीं है, तो फेयरनेस के लिए भी आप इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इस क्रीम को जो है, जो जब इसको यूज़ आप करें, तो इस क्रीम को अपने बच्चे से बिल्कुल दूर रखना है। और दोस्तों जब इस क्रीम को यूज़ करें, अपनी आइज़ को क्लोज ज़रूर करें, अपने माउथ को क्लोज ज़रूर करें। और इस क्रीम को दोस्तों जो है, बात करूँ प्रेगनेंसी टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और गर्भवती महिला को बिल्कुल भी क्रीम यूज़ नहीं करनी, ये चीज़ आपको जरूर फॉलो करनी इस क्रीम को यूज़ करने के टाइम। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो क्रीम है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको यूज़ करनी है, और इसको यूज़ करने से पहले क्या आपके साथ प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले अपने हैंड्स को वॉश ज़रूर कर लेना, फिर अपने फेस को वॉश कर लेना, नॉर्मली मोटर से वॉश कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपका फेस ड्राई हो जाए, तब दोस्तों आपको क्रीम लगानी है, जेंटली अपने फेस पर अप्लाई करनी है, हल्के हाथों से लगानी है, धीरे धीरे दोस्तों अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लेना है, और 1 से 2 मिनट इसकी मसाज करनी है। और इसको रात में यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट क्रीम देती है। मॉर्निंग टाइम में अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर इसको दोस्तों लगाने के बाद बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है दोस्तों, सनलाइट की दोस्तों जो सनलाइट से दोस्तों इसको जो है अवॉइड करना है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे दोस्तों इसको अवॉइड करना। अगर दोस्तों ये चीज़ आप फॉलो करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो पाएगी। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, इस क्रीम की क्या MRP है, और किस MRP में आपको अवेलेबल मिलेगी क्रीम। तो दोस्तों इसकी जो MRP डाली गई है फिलहाल अभी, ये दोस्तों 148 की है, जो कि 148 रुपये की मिलती है। अगर इसको दोस्तों जो है बात, मैं आपके नज़दीकी जो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से, वहाँ से आप इसको ईजिली ले सकते हैं, और ईजिली आपको अवेलेबल मिलेगी, 150 के ऑलमोस्ट मिल सकती है। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, इस क्रीम के अंदर क्या कॉम्बिनेशन डाले गए, क्या इसके अंदर साल्ट डालेगा। तो इसके अंदर दोस्तों
हाइड्रोक्विनोन डाली गई है, टेरिटानोन डाली गई है, मेमिथासोन फ्यूरेट डाला गया है, जो कि दोस्तों जो है बात पे ये पहले आप सभी को पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है और इसको ज़्यादा बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट आपको देगी, आपके दोस्तों मेलेनिन को दोस्तों रिड्यूस करेगी, मेलाज़मा को दोस्तों दूर कर देगी, एक्नेस को भी दोस्तों ये इंस्टेंट रिजल्ट देगी। और दोस्तों इसको जो है आप जो है ज़्यादा यूज़ ना करें, ये चीज़ आप सभी से पहले के लिए कर रहा हूँ। और अब मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, ये जो क्रीम है अगर इसका आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं? तो इससे आपके दोस्तों स्किन में इरीटेशन देखी जा सकती है, इचिंग देखी जा सकती है, बर्निंग देखी जा सकती है, साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे आपको इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्रीम है ये बात करूँ 20 ग्राम में आती है, जो कि 20 ग्राम में आती है, और इस टाइप की दोस्तों इसमें क्रीम निकलती है जो कि इस टाइप की आती है, जो कि आप देख लें इसको और इसको यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों आप इस बीमारी से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें जो मैं आप सभी को बताई है। और दोस्तों मैंने इसका एक जेल का भी दोस्तों रिव्यू किया, जो कि ओजा कंपनी का एक मैं आपको एक क्लाइंडा जेल है जो कि दोस्तों इसी नाम से मिलता है, वो भी मैंने इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो अगर उसको भी आप देखना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है और वो भी एक्नेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पिंपल्स के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके फेस पर उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी है, आप सभी को दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है, और लिटरली मैं सभी को एक्सप्लेन कर दिया है और कोशिश की दोस्तों इस क्रीम की पूरी जानकारी देने की। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को अपने फैमिली में अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें, फॉरवर्ड ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस जरूर करें, थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करें। और मिलते हैं एक और नए मेडिसिन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, और जो नेक्स्ट जो वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस मेडिसिन पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।